वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक नए सफ़र की शुरुआत हो गई है। अभी हम जा रहे हैं नेपाल और हम आ चुके हैं गोमती नगर स्टेशन पे। तो यहाँ से मैं पकड़ रहा हूँ सुबह की ट्रेन इंटरसिटी, गोरखपुर इंटरसिटी, और वो हमें बढ़नी पे उतारेगी। उसके बाद देखते हैं, जो भी प्लान रहेगा वो आपको अपडेट देते रहेंगे। तो अभी हम उतर चुके हैं बढ़नी पे, और यहाँ से जो है वो भैया ने बताया कि सीधे जाना है नेपाल बॉर्डर के लिए, और ये खड़ी है हमारी ट्रेन। तो यहाँ से सीधे निकलते हैं नेपाल बॉर्डर के लिए, और वहाँ पे चल के आपको जो भी अपडेट है, जो सिक्योरिटी चेक है, वो आपको दिखाते हैं क्या क्या होता है, फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या होती है वहाँ पे। तो जो बढ़नी जंक्शन, जो भी बढ़नी स्टेशन थी, उसके जस्ट बाहर लगा ये गेट वे टू नेपाल। तो अभी इस गेट के उधर है नेपाल और इस गेट के इधर है इंडिया। ये जो बोर्ड है उसके उस तरफ जो है वो है नेपाल और इस तरफ इंडिया। ये देखिए, ये है बॉर्डर। तो नेपाल में जब आप एंट्री करेंगे तो बस आपका बैग वगैरह चेक होगा, बाकी आईडी जो है, आईडी वगैरह का कोई वो है नहीं केस। आपको सिर्फ आधार वगैरह अगर मांगते हैं तो दिखाना पड़ेगा। तो अभी हम निकल चुके हैं बढ़नी से चनोटा के लिए, और जो इसकी डिस्टेंस है वो 22 किलोमीटर। तो इसके लिए आपको लगभग इंडियन करेंसी में, हम लोग तीन लोग थे तो टोटल 100 रुपया पड़ा था हम तीन लोगों का। अगर आप इनफ कैश लेकर नेपाल में नहीं आते हैं तो एटीएम में जब आप पैसे निकालने जाएंगे तो आप पे उसके लिए 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। एक बैंक है यहाँ पे, SBI बैंक ऑफ नेपाल, वहाँ से हमने जब एटीएम लगाया तो उसमें चार्ज जो है वो लगभग एक ट्रांजेक्शन के लिए 500 रुपये दिखा रहा था, और ये वेरी कर सकता है अलग अलग एटीएम्स के लिए। तो अगर आप नेपाल आ रहे हैं तो इनफ कैश लेकर आएँ, क्योंकि ATMs के भरोसे अगर आप रहेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ जाएंगे। कुछ इस प्रकार का जो बुलेरो जैसी होती है उस टाइप की बड़ी सी गाड़ी यहाँ से मिल जाती है आपको, जो लगभग 100 रुपये में तीन लोगों को ले गई थी। इंडियन 100 रुपीज़ में। तो चंद्रोटा से हम निकले हैं बुटवल के लिए। बुटवल की जो दूरी है चंद्रोटा से वो है लगभग 60 किलोमीटर, और इसके लिए आपको 200 रुपये नेपाली करेंसी में देने पड़ेंगे चार्जेस। तो अभी हम आ चुके हैं बुटवल, और यहाँ का जो व्यू है वो आप ये देखिए। अभी हम खड़े हैं पुल पे और बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है, आपको नीचे की तरफ दिखाते हैं। पुल जो है वो सेम उसी टाइप का बना हुआ है जैसे कि आपने ऋषिकेश में देखा होगा, राम झूला वगैरह, दो झूले हैं वहाँ पे इस टाइप के। तो झूला जो है भैया वो बना है प्योर आयरन का या स्टील का, जिसका भी बना हुआ है, तो इस वजह से ये चलने पे हिला करता है। आप वीडियो में अगर फील कर पा रहे हैं शेक, तो उससे लग रहा होगा कि कितना हिल रहा है। तो चलने पर जो है वो साइड में जब आप जाएँगे तो जितना शेक है वो और बढ़ जाता है। इस टाइम जो सीज़न है वो चल रहा है बारिश का, तो इस वजह से नदी का पानी जो है उसमें बहुत सारी मिट्टी धुल धुल के आ रही है, इसलिए आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो थोड़ा सा गंदा है। अगर आप यही इसको विंटर के सीज़न में या फिर गर्मी के सीज़न में आएंगे तो आपको एकदम साफ़ पानी दिखेगा यहाँ पर। जो रास्ता है वो पूरी तरीके से हिल रहा है, और इस पर जो है वो बहुत ही मज़ा आ रहा है। हमारे साथ हैं पंकज जी, ये देखिए, और पीछे से आ रहा है विवेक। और इस टाइम का जो मौसम है वो बहुत ही खूबसूरत है, और झूला ये देखिए, ये देखिए पूरा हिल रहा है। तो उस पुल से निकल के अब हम आ गए बुटवल की मार्केट में। यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ पे जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है, इधर साइड जो है वो फल वगैरह लगे हैं, और आगे की तरफ जब आप जाएंगे तो कपड़ों की जो है वो बहुत सारी दुकानें हैं, और उसके साइड में ज्वेलरी वगैरह, जो भी आजकल के फैशन की चीज़ें हैं, ग्लासेस हुए, वो सारी हैं। ये देखिए यहाँ पर भी जो इस प्रकार के टुक टुक यानी ई रिक्शा चलते हैं, और साइड में लोगों ने जो वो ये पार्किंग लगा रखी है।
और इधर साइड ये देखिए शूज़ की दुकान है। अगर बाइक्स की बात की जाए तो यहाँ पे जितने भी बाइक्स के ब्रांड हैं वो सेम ही हैं। लगभग यहाँ के जो लोग हैं वो पल्सर 200 NS ज़्यादा प्रीफर करते हैं। स्कूटी वगैरह नॉर्मल ही हैं, जैसे एक्टिवा वहाँ पे होती हैं वैसे यहाँ पे हैं। एप्रिलिया जो 150 cc की स्कूटी आती है वो ज़्यादा है यहाँ पे। रॉयल इनफील्ड वगैरह नहीं है, मुझे लगता है यहाँ पे टैक्स वगैरह थोड़ा उन पर ज़्यादा पड़ता। यहाँ की जो लिपि है वो भी देवनागरी है, तो यहाँ की जो भाषा है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। बस थोड़ी सी चेंज है वो मीनिंग्स में है, जो शब्द हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, बाकी आप समझ सकते हैं। नॉर्मल चीज़ें जैसे जो इंग्लिश में लिखी हैं, रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह, या ज्वेलरी की शॉप जो है, सर्राफे की जो भी लिखा हुआ है, वो आप आराम से समझ सकते हैं। बस जो थोड़े से टिपिकल वर्ड्स हैं उन्हें समझने में कठिनाई होगी। देखिए कितनी खूबसूरत सी मार्केट है यहाँ पर। यहाँ पे आप जितनी भी शॉप्स देखेंगे तो वहाँ का जो फैशन है वो थोड़ा सा यूनिक सा है। जितनी भी मार्केट है वो पहाड़ के साइड से जो रोड है उस पर ही लगी हुई है। ये देखिए आप, इधर साइड जो है वो है पहाड़, और उसी के साइड जो रोड गई है वही जो है यहाँ की, जैसे शिमला में माल रोड होती है उसी टाइप की यहाँ पे मार्केट लगी हुई है। ज़्यादा जो है वो आपको स्नीकर्स देखने को मिल जाएंगे, नाइकी वगैरह की फर्स्ट कॉपी अवेलेबल है इजली यहाँ पे। यहाँ पे है गन्ने की जूस की दुकान, और जूस है वो है 30 रुपये नेपाली। तो जब मैं बॉर्डर से आ रहा था इस अंदर की तरफ, तभी मैंने एक्सचेंज करा लिया था, तो जो जूस था वो था 30 रुपये का, और 3 जूस मैंने पी लिए, और उसके बाद ये 5-5 के 2 नोट वापस किए उन्होंने, 100 के नोट मैंने दी थी। ये जो है ये गाड़ी मुझे कुछ अजीब कंपनी की दिखी है, इंडिया में जो है इस कंपनी की गाड़ियाँ नहीं होती हैं। अभी देख के बताता हूँ आपको किस कंपनी की है। तो ये जो गाड़ी है ये है दत्तात्सु कंपनी की, या फिर इसका मॉडल होगा दत्तात्सु, ये सिंबल मुझे नहीं समझ आ रहा है कौन सा है। कार्स हैं यहाँ पे वो सेम ही हैं जो इंडिया में चलती हैं, हुंडई और किया मेनली यहाँ पे ज़्यादा है। थोड़ी सी जो नई गाड़ियाँ हैं वो किया की खरीदी जा रही हैं, बाकी होंडा हो गई, हुंडई हो गई, जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ पे नॉर्मली जैसे इंडिया में चलती हैं वैसे ही चलती हैं। यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ ये है कि जो डाला है वो स्कॉर्पियो के ज़्यादा हैं। ये देखिए ये जो डाला है ये स्कॉर्पियो का है, डाला है उनमें से लगभग 30% तो स्कॉर्पियो के ही हैं। जो इंडिया में वो नॉर्मली बुलेरो का ही डाला रहता है। वो देखिए सुजुकी डी-मैक्स गाड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे सुजुकी या फिर जो ये ट्रक हैं इनकी भरमार है, ये ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं। कार हैं वो जरा किया कि सेल्टॉस और ये हुंडई की i20, देखिए सुजू। तो जो भी आप जितनी भी कार देखेंगे उनमें सुजू डी-मैक्स हुई और क्लिक्स हुई और स्कॉर्पियो का डाला होगा, बुलेरो का डाला हुआ, ये यहाँ पे ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं, क्योंकि तो इनका काम जो होता है वो सब हिल एरियाज का ही होता है, तो इन्हें तगड़ी गाड़ी चाहिए, इस वजह से तगड़ा डाला ही देते हैं। मार्केट से बाहर आ गया हूँ और कुछ स्टे का देख रहा हूँ, और यहाँ पे जो मेन दिक्कत आ रही है वो ये है कि मैंने सिम तो लिए नहीं है। अब कोई हॉट स्पॉट वगैरह कहीं से मिलता है फ्री का तब वीडियो अपलोड करते हैं। अभी देख लूँगा उनकी क्या प्राइसेस हैं। यहाँ पे सिम जो है वो एनसेल करके कोई कंपनी है उसकी चलती है, और उसका जो रिचार्ज है वो लगभग 150 रुपये का होता है 8 दिन का, 6 GB मिलता है। अभी देखते हैं, अगर सिम का कुछ होता है तो सिम ले लेंगे, वरना फिर वाईफाई मिल जाता है तब तो अपलोड ही कर देंगे वीडियो।